तो फिजिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्मूथ लैब. अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड इन द पोल ऑफ मोशन एंड हैज जस्ट प्रिंटेड. ठीक है, देखिए मैं डायग्राम दिया हुआ है मोटर का. इन द एग्जांपल अबव कॉइल एबीसीडी इज हॉरिजॉन्टल एंड बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन. फॉर दिस कंडीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन आर्म एबी. ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो हमने भी बनाया था. कौन सा रूल लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अप्लाई दैट रूल एंड टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन आर्म एबी. यस, टेल मी द आंसर. यू कैन टेल मी आर्म एबी पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा. यू कैन आंसर अपवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और डाउनवर्ड. इन दीस टर्म्स यू कैन आंसर योर क्वेश्चन. यस, सक्षम ग्रोवर. यस सक्षम. डाउनवर्ड. डाउनवर्ड हाउ? एक्सप्लेन. बिकॉज बताना पड़ेगा. कौन सा रूल लगाया आपने? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. चलिए बताइए अपना हैंड किस साइड पे आपने लगाया. टर्न ऑन योर वीडियो एंड टेल अस. ऐसे ही लगाओ वीडियो, ऐसे ही बोलो कि आपकी मिरर किस साइड पे है, आपका थंब किस साइड पे है. और If we imagine our middle finger in the direction of the current and the forefinger in the direction of the magnetic field, we will get the direction of the force with the direction of the thumb that is in the downward direction. So see, this way we can apply. So you can keep the direction of forefinger in the direction of magnetic field, that is horizontal. Current is in the upward direction. Upper के लिए अब आप देखिए, look at your thumb. Thumb is inwards. Thumb is inward. Inward means down. ठीक है? तो आपका जो current है, या फिर आप उसको बिल्कुल horizontal कर सकते हैं. ठीक है? Current को अगर आप बिल्कुल horizontal जैसे A B C D ऐसे plane में बनाया हुआ है और A B है, तो आप देखोगे कि हम downward direction में आ. ठीक है? या फिर आप परमानेंटली ऐसे कर सकते हैं. हाँ, मेरी में करंट ऊपर हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड और थंब. ठीक है, सो डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड और इनवर्ड्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म एबी. ठीक है, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म एबी. एंड व्हेन यू शेयर दैट इज इन द बी बार. Yes. B one. Why does the current arm BC not contribute to turning force on the coil? हम देखते हैं कि सिर्फ arm AB and जो CD हैं, उन्हीं के जो forces हैं, वो नेक्स्ट में ये contribute towards torque. Turning force की torque. So why not arm BC? ये जो ऊपर वाली arm है, BC क्यों contribute करती है? This is a very valid question, very good question. कि आपने भी पूछा होगा कितने time पे. कैसे क्यों नहीं होता? यस सक्षम ग्रोवर के अलावा कोई और? यस एनीवन एल्स अदर देन सक्षम? कोई और आंसर देगा? यस सक्षम मैम, बिकॉज़ जो ए बी और सी डी को रोटेट करने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सेल लगी हुई है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पास, और बी सी और ए डी के लिए नहीं है एक्सेल स्पेसिफिक. वो
फोर्स ऑन बीसी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग तो चारों साइड से लग रहा है तो बीसी वाला फोर्स टॉप की इंट्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर या जस्ट नॉकिंग द फोर्सेस ऑन आफ्टर एरिया की वैल्यू का अगर काम का कार्बोरेशन एंड स्प्लिटिंग कॉपी पेपर अरेंजमेंट लेकर हो क्वेश्चन है कि उसके ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ठीक है एडी के ऊपर भी लग रहा है बट फोर्स ऑन बीस टू आर्म्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट एंड इट इज गेटिंग कैंसर I show you here. You get to a diagram and show you. ये आपका A B C D coil है, ठीक है? इसको चलो आप ignore कर दो. यहाँ पे कोई split नहीं. North and south both are here. तो हमने वहाँ की direction of forces ऐसे ऐसे आ रही हैं. Different lines of action क्या का और एक और along आ रही हैं forces. On arms of AB and BD. ठीक है? Half the directions there as well. तो इन दोनों आर्म्स पे भी हम डायरेक्शन मार्क करते हैं ये देखो अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है आर्म एसी पे अब रूल लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है ठीक है अब आपकी जो ये करंट वाली फिंगर है ये आपने हॉरिजॉन्टल करनी है ठीक है करंट वाली फिंगर आपने इधर को करनी है हॉरिजॉन्टल तो अब देखो फोर्स बिल्कुल ऊपर आएगा फोर्स आएगा अपवर्ड ये आपका एफ थ्री है सपोज दिस विल बी द फोर्स और इस साइड पे डायरेक्शन रिवर्स हो गई है तो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स लेट अस कॉल इट एफ फोर बट यू विल सी द बोथ द फोर्सेज विल बी अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन आप देखोगे कि ये दोनों फोर्सेज एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है एंड दे गेट कैंसल्ड विद ईच अदर सो दैट्स व्हाई ठीक है तो आप बोलोगे कि फोर्स ऑन आर्म ए सी एंड बी डी आर ऑल्सो एक्टिंग बट दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे कैंसल आउट ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स टॉर्क दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स टॉर्क और टर्निंग फोर्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका और वाला पार्ट अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ सोलेनोइड द फिगर बिलो शोज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन द सोलेनोइड ठीक है उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखाया हुआ है स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजंस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर कौन से रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है ये कैसे पता चला वैसे भी आपको यस हु विल टेल दिस आंसर यस अगेन सक्षम व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स यस तान्या हाँ तान्या बोलो मैम द रीजन वेयर दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इज द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर Repeat your answer. Mic is not clear. Bolo. Ma'am, the region where magnetic field lines are crowded is the region where the magnetic field is stronger. Okay, I don't get properly, but yes, you are right. Ki we know that relative closeness of magnetic lines gives an idea about the strength of magnetic field in that region, whether it is strong or weak. Okay, so when near the ends of solenoid we witness the pattern so the lines are closer together near the poles so that means magnetic field is stronger near the poles theek hai so near the ends of solenoid magnetic field is maximum ye aap bataoge ki kahan pe magnetic field stronger hai aur kaise pata chala because relative closeness of magnetic lines gives an idea about the strength of magnetic field in that region B part, what happens to magnetic field when current in the circuit is reversed? जब करंट को हम रिवर्स कर देते हैं तब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें यही होता है कि पोल्स आर ऑल्सो रिवर्स्ड जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा नॉर्थ साउथ बन जाएगा ठीक है सो पोल्स ऑफ मैग्नेट विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड लेट अस सी नेक्स्ट फिजिक्स क्वेश्चन आफ्टर दिस यस क्वेश्चन नंबर 11 A part, it would cost a man rupees 3.5
to buy 1 kWh of electrical energy from the main electricity board. One unit ki cost bataiye. His generator has a maximum power of 2 kW. The generator produces energy at this maximum power for 3 hours. Calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board. तो अगर उसका जनरेटर जो है वो 3 hours के लिए रोज वर्क करता है तो उसको कितना बिल आएगा सिर्फ ये जनरेटर चलाने में, उसको कितना बिल इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट अस यूज दिस डेटा. लेट मी नोट डाउन द डेटा फर्स्ट. पावर 2 kW एंड टाइम इज 3 hours एंड एक यूनिट की कॉस्ट है 3.50 रुपीज. चलिए कैलकुलेट करते हैं. एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, 2 × 3 kWh, क्योंकि पावर डायरेक्टली किलोवाट में गिवन है आपको, 6 kWh और 6 यूनिट हो गए. इसका मतलब ये जनरेटर रोज के 6 यूनिट कंज्यूम करेगा. ठीक है, देन वी विल जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड. If cost of one unit is 3.50 rupees, what is the cost of 6 units? 6 × 3.5. ठीक है, 6 × 3.5. 21 rupees. So that is 21 rupees. Is that clear? 21 rupees will be the cost of running this generator every day for 3 hours. सिर्फ एक generator से इतना bill आएगा उसको चलाने का. ठीक है, let us see the B part now. A student boils water in an electric kettle for 20 minutes. Using the same main supply, he wants to reduce the boiling time of water. To do so, should he increase or decrease the length of heating element? Justify your answer. एक student जो है kettle में water boil कर रहा है 20 minutes के लिए. ठीक है, using the same main supply, he wants to reduce the boiling time of water. तो क्या ये जो बॉइलिंग टाइम है ये लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट से रिलेटेड है के नहीं? यस, बताइए एनी आइडिया अबाउट दिस. इज इट रिलेटेड टू द लेंथ? हां जी बताइए विमान. यस विमान, ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेंगे हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को. हां क्यों डिक्रीज करेंगे हम लेंथ को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मैम उसके हीटिंग. हां जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक्चुअल लेंथ टाइम के. देखो सबसे पहले तो ये है कि बॉइलिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए हमें पावर जो है वो लार्ज कंज्यूम करनी पड़ेगी. ठीक है, पावर कंजम्पशन जो है, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. तो पी होता है वी स्क्वायर ओवर आर. अब वी तो सेम है तो आर जो है आपका कम करना पड़ेगा. और आर क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसलिए लेंथ हमें कम करनी पड़ेगी हीटिंग कॉइल. सी आई विल एक्सप्लेन हियर. यस यू आर राइट. तो लेंथ शुड हैव टू बी डिक्रीज्ड बिकॉज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. टू इंक्रीज पावर, हम अगर चाहते हैं कि कम टाइम में ये उसको हीट अप कर दे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए उसको, है ना, कैटल को. तो पावर इंक्रीज करने के लिए उसका रेजिस्टेंस शुड बी लेस एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ द कॉइल शुड बी डिक्रीज्ड. Length of the coil should be decreased, then the water will boil earlier. It will boil in less time.
Let us see next question now. 12th. 12th question, circuit diya hua hai. In above circuit, if current reading in ammeter is 2 ampere, what would be the value of R1? R1 ki value nikalni. Let me draw the circuit. All of you try in your copy. Apna apna question solve kariye. Dekhte hain who finds the answer first. ठीक है ये दिया हुआ है सब. अब पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका. ठीक है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? देन ओनली यू कैन राइट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. तो आपको रीडिंग पता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट एंड. तो ये दोनों पैरेलल में है, इनका रेजिस्टेंस हो गया 10R1/10+R1. ठीक है पहले तो ये दोनों पैरेलल में, फिर ये थर्ड भी, मतलब तीनों पैरेलल में आप कह सकते हो कि ऑल दिस थ्री आर इन पैरेलल. पैरेलल के बाद ये इन दोनों के साथ सीरीज में ऐसे करके आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड देयर पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक है तो ये कितना हो गया? वन बाय फाइव प्लस वन बाय टेन का निकाल लो पहले. थ्री बाय टेन आ गया. ठीक है प्लस सीरीज में ये वाला सिक्स, सीरीज में वो वाला सिक्स. दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10R1/3R1+10+6+6. ठीक है तो लेट अस यूज ओम्स फॉर्मूला नाउ. आर इज इक्वल टू वी ओवर आई. V कितना है 30 और I कितना है 2, 15 हो गया. इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 15. इसको इक्वल टू 15 कर दीजिए, यहां से R1 निकाल दो बस. इक्वल टू 3 आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई R1 इज 30 ओम. दिस इज आंसर. योर R1 इज इक्वल टू 30 ओम. सी इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. R1 इज 30 ओम हियर. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? पहले हमने इन तीनों को पैरेलल में ले लिया, इन तीनों का जो पैरेलल में हो इन दोनों के साथ फिर सीरीज में. तो जब हमने तीनों का पैरेलल निकाला प्लस सीरीज में कर दिया, ये आंसर आ गया. यस इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू एनीवन यू कैन आस्क योर डाउट. क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? बच्चे से यस और नो? ओके लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और वाला. अब ये सर्किट दिया हुआ है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट इन द सर्किट. लेट मी ड्रॉ द सर्किट. यू ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट ट्राइंग इन योर कॉपी. ट्राई इट.
ठीक है, ये दिया हुआ है, दिस इज द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट, बिल्कुल ही सिंपल सर्किट दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए करिए सॉल्व। सो यू विल हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस बैटरी। तो स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट एंड, स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये वायर बेंड करके लगाई हुई है, तो 6+4 सीरीज में इनका हो गया 10, फिर वो 10 इस 10 के साथ पैरेलल में, 10 और 10 पैरेलल में हो गया 5, अब वो 5 और ये 7 सीरीज में हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5+7 12 ओम। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर 2 एम्पियर, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका करंट आ गया 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यस, कम अप विद एनी डाउट इफ यू हैव। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये न्यूमेरिकल क्लियर है आपको? ऑल राइट, शुड वी सी द नेक्स्ट वन? चलिए नेक्स्ट है, यस, क्वेश्चन नंबर 15। अंसारी सर वाज डेमोंस्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, वही है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? फैराडेज एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। अ मैग्नेट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। स्प्रिंग मतलब एक कॉइल लिया हुआ, तो मैग्नेट उसके बीच में से मूव कर सकता है इन एंड आउट। ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज्ड इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल। अब उसने स्प्रिंग के साथ इसको अटैच किया हुआ है ना, तो मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट। यस, हु विल टेल विच प्रिंसिपल ही इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट? यस बिसम जोत, हाँ बताओ। ही इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट फैराडेस एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं, फिनोमिना कौन सा है? एक्सपेरिमेंट तो मैंने ही बता दिया कि फैराडेस एक्सपेरिमेंट है, विच फिनोमिनन ही इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट? मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, ही इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तो ही इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ EMI। व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल, एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। यस, तो अब जब कॉइल मैग्नेट उस कॉइल में से अंदर बाहर जाना शुरू कर देता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस? Yes, same students are raising hand. Yes, Vivan. Electricity produce होगी। क्या? Electricity produce होगी। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो galvanometer से मैम deflect होगा ना? Yes, very good. This galvanometer that he has connected will start showing deflection. So whether the magnet is moving in or out, in both the cases, galvanometer will be showing deflection, showing the production of induced current. इसका मतलब induced current produce हुआ है, ठीक है? C part है, consider the situation where the magnet goes in and out of the coil. State two changes which would be made to increase the deflection in the galvanometer. तो कैसे हम ये डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर में, या मतलब अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाउ कैन वी इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर? यस बिसम जोत, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूविंग मैग्नेट। यस, बाय मूविंग द मैग्नेट फास्टर, एक तो ये हो गया, और कोई तरीका? Yes, Vivan. By increasing the number of coils.
by increasing the number of turns in the coil, है ना? You mean to say? तो अगर हम number of turns को increase कर देंगे, strong magnetic field होगा, और जब magnet move करेगा उसकी तरफ, तो फिर induced current का amount भी ज्यादा होगा. Of course वो magnetic field पे तो depend करता ही है, उसकी strength पे तो depend करता ही. तो second thing is you can increase the number of turns, and first thing is we can move the magnet faster. ठीक है, अब और वाला देखते हैं. Is there any difference in the observations in the galvanometer when the magnet swings in and then out of the stationary coil? तो जब वो पास आता है या बाहर जाता है तो कोई डिफरेंस दिखता है आपको? Yes, anyone? Yes, same students are answering. Tanya, आप बताओ. Yes, there will be a difference in the observations in galvanometer. As when the magnet moves closer, deflection is observed, but when it is moved away, deflection is done but in opposite direction. Yes, direction of deflection is opposite when the magnet is brought in or out. So the directions of deflections are opposite. Okay, when it is brought in, magnet is brought in the coil, suppose the deflection is towards right. When it is moved out of the coil, then the deflection will be towards left. This is just an example. Okay, so directions of deflection in both the cases will get reversed. Yes, Daksh, what do you want to ask? हाँ जी दक्ष बोलो. आंसर देना था. चलो दो, दोबारा बोलो. तो बता ही दिया उसने. कोई बात नहीं, आप फिर से एक्सप्लेन कर दो अपने वर्ड्स में. अगला बता दूंगा, अब तो उसने बता ही दिया. खत्म हो गया, खत्म हो गया. लास्ट क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर का. ठीक है, so you must have noticed the pattern that this question was of 4 marks, right? Ye section C mein there will be only 2 questions each of 4 marks. Okay, in C part there will be some internal choice, but first and second A and B parts will be compulsory, right? Then these are 3 marks questions, and now your paper will be of 40 marks and no MCQ will be there. MCQ koi nahi hoga, ye go through these instructions. Yes Saksham, what do you want to ask? Ma'am, jo humne 12th question ke jo second wala jo option thi usme humne resistance kaise nikala tha? Ek minute, 12th, let me see. Ha, aur part hai jo और वाले पार्ट में रेजिस्टेंस कैसे निकाला था? Yes. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो मैं करके दिखा देती हूँ स्टेप वाइज. आई डू इट. 7, 10, 6, 4. चलो यही वाला है. यस, सबसे पहले वी विल कम टू दिस जॉइंट. दीज टू आर इन वन वायर, बेंड करके लगाई हुई है, तो हमारा सर्किट रिड्यूसेस टू दिस. ये 6 + 4, इनका सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया 10. बाकी के दो एज सच. सो फर्स्ट वी हैव फाउंड देयर सीरीज रेजिस्टेंस, दैट इज 10. नाउ यू कैन इजिली सी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स 10 and 10 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10 × 10/10. ठीक है, ये हो गया 100/20, 5 ohm. इन दोनों का पैरेलल में जब हमने सॉल्व किया तो वी गॉट वन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 5 ohm. ठीक है, वी गॉट वन रेजिस्टेंस. तो अब ये दोनों एक ही वायर में सीरीज में है, तो 7 + 5 देयर रेजिस्टेंस इज 12 ohm. नाउ ठीक है, देख लो. Is that clear?